देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इटावा पुलिस द्वारा अंतरजनपदीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 अभियुक्त को चोरी की 5 दोपहिया वाहनों के पार्ट्स, 1 मोटरसाइकिल वाहनों को काटने के उपकरण व 2 अवैध तमंचा व 1 चाकू सहित किया गया गिरफ्तार। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी भर्थना के नेतृत्व में थाना ऊसराहाट पुलिस टीम द्वारा अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 अभियुक्त को चोरी की 5 दोपहिया वाहनों के पार्ट्स, 1 मोटरसाइकिल वाहनों को काटने के उपकरण व 2 अवैध तमंचा व 1 चाकू सहित किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशों के पालनार्थ दिनांक 26 सितंबर 2021 को थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा सराया अंडरपास आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे KM 128 के नीचे संदिग्ध वाहन व्यक्ति चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि अघिनी मंदिर के पास कुछ शातिर किस्म के लोग मोटरसाइकिल चोरी कर लाए हैं तथा उन वाहनों को काट कर उनके पार्ट्स निकाल कर बेचने की योजना बना रहे हैं। एक अवैध असलाहा भी लिए हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए ऊसराहार पुलिस अघिनी में बने मंदिर के सामने पड़ी खाली जगह पर पहुंची तो देखा कि 3 व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कटर प्लास आदि की मदद वाहनों के पार्ट्स निकाल रहे थे। पुलिस टीम द्वारा 3 व्यक्तियों को आवश्यक बल प्रयोग कर घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा व 1 चाकू बरामद किया गया तथा वाहनों के बारे में पूछताछ की गई तो बताया कि हम अन्य जनपदों से वाहन चोरी करके उनके पार्ट्स निकाल कर बेचने का काम करते हैं। गौरव शाह के ऊसराहार की रिपोर्ट।